ऑल राइट शाजिया इल्मी, शाजिया क्यों आप संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अब एक सांसद नहीं है, आप एलओपी की जाति पूछ रहे हैं संसद के अंदर, क्या ये उनका अपमान नहीं है, गाली नहीं है? सबसे पहले मानक जी मैं कहूंगी कि सबसे ज्यादा सामंतवादी, सामाजिक न्याय विरोधी, दलित विरोधी ओबीसी परिवार जो कि राहुल गांधी परिवार है, और जब एक पार्टी बन गया है और पार्टी ही परिवार है, जब वो बात करते हैं सामाजिक न्याय की, जाति जनगणना की, बड़ा अफसोस भी होता है, हंसी भी आती है, रोना भी आता है। एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। आप शुरुआत कीजिए जवाहरलाल नेहरू से, बाकायदा जिन्होंने लिखित तौर पर सारे सीएम को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि कतई हम आरक्षण नहीं कर सकते, हमें सेकंड ग्रेड के अफसर नहीं चाहिए। तो वो सेकंड ग्रेड किसको कहना चाह रहे थे बताइए, आप सोचिए। ये राहुल गांधी बात कर रहे हैं हलवा सेरेमनी की और कह रहे हैं उसमें कितने थे, लेकिन क्या राहुल गांधी अभी बता सकते हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन में, सीडब्ल्यूसी में, एनएसी में जो इनका शैडो कैबिनेट था और असली कैबिनेट था, उसमें कितने दलित थे, कितने ओबीसी थे, कितने आदिवासी थे, बता सकते हैं? शर्म आएगी, भागते फिरेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी जो दुनिया भर जाते हैं और आम लोगों से बेइज्जत कर पूछते हैं, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारे पिता का, क्या नाम है तुम्हारे मालिक का, क्या क्या तुम्हारी क्या जाति है, वो राहुल गांधी बात करेंगे, याद करेंगे राजीव गांधी ने क्या कहा था कि अगर 1980 में आए थे मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन, 1990 में वीपी सिंह ने उनको क्या इंप्लीमेंट किया, मुखालफत रही तो सिर्फ राजीव गांधी से, क्या गृह युद्ध हो जाएगा, नाम भी ना लो। और जो पूरा नारा रहा है जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पर, क्या हो गया वो सब? अपने ही पूर्वजों को, अपने ही पार्टी को, अपने ही पार्टी के प्रिंसिपल को, अपने ही दादाजी को, नाना जी को, पर नाना जो भी मैं कहूं उनको, बड़ा मुश्किल है समझना, मुझे बड़ी दिक्कत हो जाती है। और जब उनकी जाति पूछी जाती है, जो दुनिया भर में जा जाके सबकी जाति पूछता है, तो बहुत तकलीफ होती है। ओहो, दिल में बड़ा तीर लगता है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। अब तक क्यों यकायक आपको जाति की याद आती है, और आप उस पार्टी से पूछ रहे हैं जिसके ओबीसी नेता को आपने चाय वाला और गंदी नाली का कीड़ा कह कहकर, और ओबीसी होने पर भी आपने सवालिया निशान लगाया है। उस पार्टी को आप कह रहे हैं जिसने बाकायदा ओबीसी कमीशन बनाए, 21 साल तक लोग इंतजार करते रहे लेकिन ऐसा मान्यता ही नहीं दी। काल केकर कमेटी में क्या कहा गया था आपको याद है? कहा गया था कि मेडिकल क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में 70% होना चाहिए, क्योंकि इतने एजुकेशनली बैकवर्ड हैं हमारे ओबीसी साथी और एससी साथी। क्या हुआ उसका? फेंक दिया गया। आपको याद है मंडल कमीशन में क्या हुआ? उसके बाद आपको याद है बाकी इतने कमीशन आए, कर्नाटक में देखिए आप क्या हुआ, बाकायदा कहां सेंसर आया गया, लेकिन उसने दिन की रोशनी नहीं देखी, घबराहट हो गई। इन्हीं की सरकार लेकर आई थी शाजिया, इन्हीं की शाजिया, आप शाजिया देखिए, 2004, 2009, 2014 शाजिया, ओबीसी एससी एसटी के लिए किस मुंह से बात करेंगे? ओबीसी एससी एसटी के लिए कांग्रेस ने क्या किया, क्या नहीं किया? 80 से 90 तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट क्यों लागू नहीं की? तमाम मुद्दे आप उठा सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी पर ये निजी वार करने का क्या मतलब? राहुल गांधी आपकी जात नहीं पता, इसका क्या राहुल मतलब? नहीं नहीं, इसमें निजी बात क्या है? अब जाति कितनी जरूरी है, अभी उनको एकदम से याद आया, ना तो उनकी माँ सिखा पाई, ना उनकी दादी सिखा पाई, ना उनके दादा ने इसकी इतनी मुखालफत की, ना वो सिखा पाए। अब वो पूछ रहे हैं लोगों से जाकर, तो भाई बता तो दे उनकी जाति क्या है, क्यों इसमें घबराहट किस बात की है, इसमें क्या हो गया, बेइज्जती क्यों महसूस कर रहे हैं? आपको लगता नहीं उस पत्रकार की, उस सामान्य व्यक्ति की कोई इज्जत थी? क्या वो बेइज्जत कर रहे थे? या तो माने कि उन्होंने उसको बेइज्जत किया, अगर वो ये कह रहे हैं कि उनको बेइज्जत किया है, एक ही चीज हो सकती है ना, दोनों चीजें तो नहीं हो सकती। और आप प्रमाण देखिए, मतलब ये बाकायदा 1968 में चिट्ठी है इसको लेकर, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है दोयम दर्जे के अफसर नहीं हो सकते, सेकंड ग्रेड के ऑफिसर नहीं हो सकते। नहीं नहीं, एक सेकंड, नहीं शाजिया, गांधी जी ने क्या किया शाजिया, एक सेकंड, मुद्दा यही तो है, सुनिए बाबू, यही मुद्दा है, राम को सुनिए तो, बोलने तो दीजिए, मुझे खत्म करने दीजिए। नहीं नहीं, मैं बात खत्म कर लूं, आप पूछ लीजिएगा, एक नया मैं फैक्ट आपको दे रही हूं। बाबू जगजीवन राम को पीएम बनाने से इतना एतराज था, बोले ये बन जाएगा तो क्या होगा, हमारा जिंदगी भर रहेगा, ये नीरजा चौधरी जी की नई किताब में आया है। आप जरा सोचिए, सीताराम केसरी को किस तरह से अपमानित कर तिरस्कारित कर उनके कार्यालय में बर्ताव किया गया है, मतलब हद होती है।
आप बात कर रहे हैं दलित की और सोचिए ओके शाजिया मैं फिर से वही बात कह रहा हूं, सर्वोच्च पद पर है शाजिया, मैं फिर से वही बात कह रहा हूं। और आप क्या बोल रहे हैं, एकदम से अपनी जाति को लेकर फिर से वही बात कह रहा हूं मैं और मैं फिर से वही सवाल पूछ रहा हूं। आप बिल्कुल जो आप कह रही हैं इनका दोगला रवैया है, दोहरे मापदंड है, आप बताइए उठाइए, राजनीतिक मुद्दा है, बिल्कुल आपको पूरा हक है, लेकिन ये उनकी जाति पर निजी हमला आप क्यों कर रही हैं? क्या आपको नहीं पता उनके माता पिता कौन हैं, दादा दादी कौन हैं, नाना नानी कौन है? पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। ऐसे में राहुल गांधी को अपनी जाति नहीं पता, बिल्कुल सही, ये कहने का क्या मतलब है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब आपको पता है मुझे पता है तो उनको भी तो पता होगा ना। सबकी जातियों का आप जिक्र कर रहे हैं, अपनी जाति का जिक्र नहीं कर रहे हैं। बताएं उनकी जाति क्या है, बताएं दुनिया को जाकर। आलोक शर्मा।